एक कौवा आया तो था इस चूहे का शिकार करने, लेकिन यहाँ पर इस कौवे की चाल इसके ऊपर ही भारी पड़ गई, क्योंकि यहाँ पर जो इस कौवे ने इस चूहे के ऊपर हमला किया तो यहाँ पर इस चूहे ने तुरंत इसकी चोंच को पकड़ लिया और यहाँ पर इस कौवे की चोंच को कुछ इस तरह पकड़ा कि कौवा चाहकर भी उसे इस चूहे से आजाद नहीं करा पाता है और ऐसे ही काफी देर तक इस चूहे से संघर्ष करते रहता है। दोस्तों यहाँ पर आप भी साफ साफ देख ही सकते हैं कि ये कौवा इस चूहे का शिकार करना तो दूर बल्कि अपनी चोंच को छुड़ाने में भी कितना ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन आखिर में इस कौवे के लिए गनीमत की बात ये रहती है कि यहाँ पर एक शख्स आ जाता है जो कि इन दोनों की लड़ाई को शांत करवा की इन्हें अलग अलग कर देता है। दोस्तों ये बात तो आप सभी भी अच्छे से जानते हैं कि सांप कितने खतरनाक होते हैं और इनकी लड़ाई किसी मकड़ी से हो तो यहाँ पर जीतने के चांसेज भी सांप के ज्यादा होंगे। लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के बाद हैरानी होगी क्योंकि यहाँ पर पासा थोड़ा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल यहाँ पर होता ये है कि एक ब्राउन विंडो स्पाइडर ने एक ब्राउन स्नेक के ऊपर हमला कर दिया और सीधा उसके ऊपर हमला करके उसे अपने जाले में फंसा दिया और उस सांप को जाले में भी उसके मुंह की तरफ से फंसाया, जिसके चलते वो सांप इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और आखिर में वो उल्टा खुद इसका शिकार हो गया। पर ये कुत्ता अपनी चोड़ में आकर एक इलेक्ट्रिक ईल को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद आप देख ही सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ईल इसे कितना जोरदार झटका मारती है और जो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक ईल द्वारा इस कुत्ते को जोरदार बिजली का झटका दिया जाता है तो ये कुत्ता इलेक्ट्रिक ईल को छोड़कर यहाँ से गोली हो लेता है। दोस्तों सबसे पहले वीडियो क्लिप में आपने ये देखा होगा कि किस तरह एक चूहे ने मौका पड़ने पर एक कौवे को धूल चटाई, लेकिन यहाँ पर तो इस चूहे ने और भी बड़ा कमाल कर दिया क्योंकि ये तो सीधा एक जहरीले कोबरा से ही जाकर भिड़ गया और सीधा उसके मुंह पर हमला करना शुरू कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर आप भी साफ साफ देख ही सकते हैं कि इस चूहे का हमला कितना ज्यादा खतरनाक है, जिसके चलते ये कोबरा इसका विरोध भी नहीं कर पा रहा है। हालांकि ये कोबरा पूरी तरह व्यस्त है और इसके साथ में इसके दो साथी भी मौजूद है, लेकिन ये तीनों मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं और इनमें से दो कोबरा तो इस चूहे का सामना भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर ये चूहा इस कोबरा के ऊपर काफी देर तक ऐसे ही भारी पड़ते रहता है। दोस्तों बंदरों के अंदर शरारत करने की कितनी बड़ी चुनौती है ये बात तो आप सब अच्छे से जानते होंगे और ठीक ऐसा यहाँ पर ही बंदर भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बिना बात ही आकर इस मुर्गे को छेड़ने लगता है, जिसके चलते शुरुआत में तो ये मुर्गा इसे कुछ भी नहीं करता है, पर जब इस बंदर की हरकतें नहीं रुकती है तो आखिर में इसको गुस्सा आ जाता है और फिर इस बंदर को अच्छा खासा सबक सिखा देता है। वैसे दोस्तों जानवर ही नहीं बल्कि इंसान भी कभी कभी गलत जगह पंगा ले लेते हैं। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख लीजिए, जहाँ पर दो लोग एक बुल को चिढ़ा रहे थे और इसी वजह से वो बुल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दौड़कर इनके ऊपर हमला कर देता है। खैर आगे का वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन एक बात हम आपको कह सकते हैं कि इस बुल ने इन दोनों की अच्छी खासी बेंड बजाई है। Okay. Ayo di mana? Tino. Wiwit las ini. Las. Tina tina rika suku ibera Tina tina rika suku ibera Thank you.
Pakai bes tau. Yeah.